गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और फाइनली हम रेडी नहीं हुए हैं बेचारे। ये दोनों प्यारे से बच्चे हमारे रेडी हो चुके हैं। देखो आज हमारे कार्तिक ने कोट पैंट नहीं पहना है, क्या पहना है? ये तोत पैंट पे अटका हुआ है, इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा कैसा है। अरे तोत पैंट नहीं है वो, आज गगन ने कोट पैंट, मैं भी तोत पैंट बोलने लग गया, कोट पैंट पहना है। और मेरे जो कपड़े ना भाई, मैंने सरप्राइज रख रखे हैं, सब फैमिली वाले पूछ रहे क्या पहन रहे हो भाई, क्या पहन रहे हो भाई, बता दो तुम्हें पता ये पता, सबका सरप्राइज है, सब ने अपने बता दिया, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, मैंने कहा ना कि भाई मैं यही पहन के घूम, मतलब यही पहन के चलूंगा। तो अभी वैसे 5 बज रहे हैं और करेक्ट हम 7 बजे हॉल में पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हमें हॉल चेक करने भी जाना है, सारी चीज सही है कि नहीं है, क्योंकि भाइयों का काम तो यही होता है ना, समझ रहे हो, तो वहीं चलेंगे। बाकी आज मस्त लग रहा है कार्तिक हमारा, अच्छे लग रहे हो, तुमसे पूछा अच्छे लग रहे हो, खुद की तारीफ खुद ही, चलो ये भी सही है तुम्हारा। वैसे मैं तो जब से मामा जी के रूम में बैठा हूँ भाई, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, सर पेन हो रहा था तो बैठा हूँ, थोड़ी देर सो लिया था, अब थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया, अभी सीधा रेडी होते हैं। मैं अभी नहीं रेडी, मैं टाइम से हुआ पूरा, जब निकलेंगे हम तभी रेडी होंगे, तुम देखना। सो गाइस फाइनली हमारे कपड़े रेडी हैं और सब एक्साइटेड है, आर यू एक्साइटेड जानने के लिए क्या पहन रहा हूँ मैं समय, और मैं रेडी हो जाता। सो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, अभी ऑलमोस्ट बज गए हैं रात के 7 बजे हम निकल रहे हैं, 7 बजे का टाइमिंग था और 7 बजे निकल रहे हैं। सारे के सारे हॉल जा चुके हैं, जो मम्मी है और बाकी सारी लेडीज हैं वो आपको तो पता ही कितना टाइम, तो बेचारे वो तैयार होने गए, हम अपना पहले से तैयार हो। और मेरा जो सरप्राइज था, मैंने ये कुछ ऐसा आउटफिट पहना है, कुछ अलग कुछ यूनिक, मैं अपने भाई से पूछता हूँ कैसा लग रहा है। ये है मेरा छोटा भाई, प्यारा सा भाई, हमने खूब मस्ती करी है साथ में, तो इसका नाम है साहिल, जसमीत, जस्सू, कुछ भी कह लो, इसके 3 नाम है, जस्सी भी है। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा। बहन की शादी हमारी तो काफी एंजॉय होने वाला है, अभी बहन भी तैयार होने के लिए गई है, अभी मामा जी भी तैयार हो रहे हैं, भाई भी तैयार हो रहा है, पापा भी तैयार हो रहा है, तो बस लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। एंड भाई भी रेडी हो चुका है, एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब कि भाई मैंने दी, हम तीनों भाई बहन ने ब्लू कलर का आउटफिट पहना है, पता नहीं कैसे लग रहे हम दोनों, और भाई मजा आने वाला है आज, वेडिंग में खूब मजा करेंगे, तो बाकी पार्टी में दिखाएंगे, वेडिंग में भी दिखाएंगे, अभी मामा भी हमारे रेडी हो रहे हैं, तो मजा आने वाला है। सो गाइस अब सीधा निकलते हैं फटाफट से, लेट हो गया बहुत ज्यादा, और अभी मम्मी जी को भी पिक करना, मतलब कि बहुत काम है। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है, मैं कब का रेडी हो चुका हूँ, अभी ना वेडिंग में जाने के लिए मम्मी जी रेडी हो रही थी ना, तो मैं मम्मी को लेके आया हूँ, लेने आया सॉरी, पिक करते हैं और फिर घर भी जाना है, फिर हमें बैंक्वेट हॉल में भी जाना है। पता चल रहा है जब घर की शादी होती है ना, तो घर वाले इतना लेट क्यों पहुंचते हैं शादियों में, और मैं ढंग से ना अपने सिनेमैटिक शॉट भी नहीं ले सका यार, बिकॉज कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं ना। और गाइस मैं आपसे माफी चाहूंगा, बिकॉज अभी मैं नाइट में व्लॉग शूट कर रहा हूं ना, तो बहुत अंधेरा आ रहा है यार। आइए पता रही है, आइए सारे के सारे आ जाइए। सो गाइस फाइनली हम लोग वेडिंग में आ चुके हैं, काफी मजा आ रहा है। हमारे जीजा जी ये दोनों ने मैचिंग पहनी है, मम्मी एरी पापा ने भी मैचिंग पहना, मैंने भी मैचिंग पहना, तीनों भाई बहनों ने मैचिंग पहना है, अभी दिखाएंगे एक एक करके। अभी तो बैंकट हॉल में आया ना, और गाने के लिए डांस भी करना है सबको, ठीक है ना, मजा आना है, पूरा डांस करना जी मेरे, और सारी अच्छी डिशेज चखनी है, एंड मामी जी भी आई गई हमारी, आई कर दो और बता ही देना सब कैसे लग रहे हैं। कार्तिक कार्तिक क्या पहना है? टोट पहन पहना, अभी सब चलते हैं। हाँ तो सबसे पहले भोजन में पाव भाजी, सलाद और पाव भाजी, मूली की सलाद खाना है, खाओगे? चलो खा के डांस करेंगे, ठीक है बच्चा? ओके। मम्मी जी से तो मैं ढंग से मिल ही नहीं पाया। मम्मी जी क्या खा रहे हो अभी? रोल, रोल माय फेवरेट। मम्मी जी आपने तो रोल की आदत लगवा दी हमको। बाकी पानी ले लिया, अभी गाने बंद हो चुके हैं, थैंक यू। वैसे अभी छाछ ले रही है, वो पीते हैं यार, ठंडा करते हैं अपने आप को। मम्मी जी मुंह छाग मेरी।
भाई अभी इतना डांस कर रहा ना, तो ये मैंने शरबत ले लिया, इसे पी के ठंडा करते हैं, बाकी तो एसी चल ही रहा है। वैसे जितना हम एक्साइटेड है ना उतना थक भी जाएंगे, है ना भाई। रात में हालत खराब होने वाली है और कम व्लॉग करूंगा बिकॉज गाने बज रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा अपना, समझा करो। बाकी अभी बारात आ रही है, स्वागत होगा। फिलहाल गाइस अभी स्वागत हो रहा है तो जल्दी से स्वागत करवाते भाई, हम तो यहाँ व्लॉग बनाने में लग रहे हैं। चलो बाकी सारे फैमिली मेंबर बाहर खड़े गेट पे, हम यहाँ खड़े हैं। सो गाइस अब हम भी बारात चढ़वाने जा रहे हैं, मजा आएगा। मतलब अब रोड पे आ गए, नहीं मजा आ गया शादी में, बहुत मजा आ गया। अभी भाई मैं सब, मामा जी गगन भी है, और अभी बारात पे आ गए, अब हम यहाँ से डांस करते जाएंगे क्योंकि मजा तो पूरा चाहिए ना, मजा तो पूरा चाहिए। बाकी अब शांति में आके व्लॉग कर रहा हूँ यार, इतनी भीड़, OMG फिर से गाने बज गए। जब गाने बंद हो रहे तब व्लॉग कर रहा हूँ मैं, बस बस भाई इतना ज्यादा नहीं। कितने लिए? चार पांच लिए, देखो चार पांच लिए, गिन के दिखा, गिनना है पूरा। मामा जी कैसे साइन से मार रहे हैं? हमारे मामा जी एकदम साइन से मार रहे हैं, हाथ तक चमक रहे हैं। क्या आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या हो गया? अच्छा आ गई थी, चलो दी आ गई, अब दिखाते भाई, मजा आने वाला है। जाएंगे ना हम सारे भाई मिल के आएंगे। माला से आते हैं ना, माला से तो मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। सो गाइस दी भी आ चुकी है। हाँ जी, फाइनली हो गई। समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम। हमारी प्यारी सी दीदी और प्यारे से जीजा जी के आने के बाद उन्होंने अपने खूबसूरत हाथों से खूबसूरत सी प्यारी सी वरमालाएं अपने हाथों से एक दूसरे के पहनाई। उसके बाद दीदी और जीजा जी के साथ सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए इतना एक्साइटेड था एंड प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए भी इतना एक्साइटेड थे कि एक घंटा इसी में बीत गया। मामी खाली है गोलगप्पे? हाँ, अभी मैंने तो कुछ सारी चीज खाली, एक चीज चख लेना। अरे तुम सारा खा के, ये सारी चीज खा के बैठी है, ये गलत बात, सारी चीज खा के कोई बात नहीं। ऐसा करते हम दोनों चखते हैं, क्या कहते हैं? चलो भाई हम दोनों जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, चल रही हो? पाँच छह चबा देंगे? नहीं नहीं, दस बीस नहीं, 10-20। अच्छा इनका 10-20 का प्लान है, मैंने तो 5-6 तो गलत ही संख्या बोली। दस, अरे दस ही खा लो। वैसे जयमाला भी हो ही चुकी है, अभी लेते थोड़े से सिनेमैटिक शॉट बिकॉज ना घर पे तो हम ले नहीं पाते ना, घर पे इतनी भाई भीड़ भाड़ हो गई ना, लाइट भी नहीं हो पाती ना, तो ज्यादा ही हो गया था, थोड़ा सा यहाँ पे सिनेमैटिक लेते तो थोड़ा सा चेक करो सिनेमैटिक। सिनेमैटिक शॉट लेने के बाद मैंने अपनी मम्मी जी को आमंत्रित किया कि मम्मी जी आइए और हमारे साथ डांस कीजिए, तो मैंने सभी फैमिली मेंबर्स को इकट्ठे करके डांस फ्लोर पे डांस का बुखार चढ़ा दिया। कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। अभी गाइस हो रहे फेरे, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, फैमिली वाले कहाँ खाना खाते हैं ना, रात में सब बैठ के इकट्ठे खाएंगे। अभी फेरों की तैयारी हो रही है, फोटो क्लिक्स हो गई है,
और लेकिन थक गए मम्मी जी, तो थक गए मम्मी जी और मैं तो इधर ही बैठे पड़े, डांस इतना करा ना आज से ज्यादा मम्मी, बहुत ज्यादा। एंड भाई हमारा ये रहा, फैमिली मेंबर्स की फोटो हो गई, अब रिलेटिव्स की हो रही है। अभी गाइस खाना खाते हैं बिकॉज भूख लग रही है यार। मेरे तो फेवरेट ऑलवेज फ्राई राइस। मम्मी जी आपके लिए फ्राई राइस। हम थक गए ना तो हम दोनों तो यहीं पे बैठ के खाएंगे। अरे 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 अब बच्चा गैंग जा रही है खाना खाने। चलो मस्त दोबारा से पाव भाजी ले ली। भाई मैं तो एक ही चीज खा रहा हूँ पाव भाजी, बिकॉज ये सही है। अभी केक भी कट चुका है एंड केक हमारा ये रहा। लेकिन केक कट होया ना तो हमने मिस कर दिया ना। इसके बाद हमारी दीदी एंड जीजा जी ने अपने प्यारे से हाथों की उंगलियों पे एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। अंगूठियां एक दूसरे को पहनाने के बाद हम सभी ने खाना खाने का निर्णय लिया। फिर सभी फैमिली मेंबर्स ने एक साथ बैठ के खाना खाया जो कि काफी मजा आ गया। अभी मैं बाथरूम में व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज बाहर इतना शोर हो रहा है ना। अभी जो है ना फेरों का टाइम है और हम यहाँ पे बाथरूम में व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि बाहर शोर हो रहा है ना। मैं इधर आ गया तो अभी मुँह यार फेस वॉश करना था मुझे अपना, बिकॉज थोड़ा सा ना ऑयली ऑयली हो गया। ऑयली चीज़ अभी तो कुछ खाया भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत खाया था यार। मेरे को तो पाव भाजी पसंद आई थी, फ्राई राइस और मुश्किल से एक रसगुल्ला। बाकी भूख तो लगती नहीं है यार, मतलब कि इतना इन्जॉयमेंट कर रहे ना डांस वांस तो भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो अब ऐसा लग रहा है बस सब आराम, भाई ऐसे थक चुके हैं ना। मम्मी जी अपना आराम कर रही, पापा जी भाई सब ऐसे 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 लटक से गए बिकॉज सब थक गए, मैं भी इतना थक गया। लेकिन मेरे को व्लॉग तो करना जरूरी है ना, और अभी फोन भी चार्ज करना है मुझे। सबसे पहले अपना फोन चार्ज करते हैं और फिर व्लॉग फेरों वेरों का सब सीन शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं, इंजॉय करते हैं। फिलहाल फेरों की रस्मों को देखने में काफी लेट हो रहा है तो चलते हैं और देखते हैं, मजा आएगा। सबकी रील टिकटॉक बन रही है यार, तुम क्या हो? सबकी रील देखो, मेरी दी की भी रील चल रही है, क्या है यार। टाइम हो रहा है रात के 2 और सब देखो अपनी अपनी कोई चेयरों पे बैठे हुए हैं, सबको नींद आ रही है भाई सबको। हमारा प्यारा कार्तिक भी सो गया यार, इसको थक गया बेचारा। गगन भी थक गया यार। चलो भाई फेरे हो रहे, तुम भी करवाई लो बैठे बैठे। चलो बैठ जाओ, तुम्हारे भी करवाई देते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई पसंद वसंद है तो चलो यहीं करवा देते, फिर क्या दिक्कत क्या है। मामा जी कैसे बैठ गए? तुम पहली बैठ जाओ, पहली बैठ जाओ, तुम आके तुम्हारी सीट रिजर्व हो रखी है वहाँ पे। ऐसे है भाई, यहाँ पे सब नाच रहे कूदे हैं। मामा दोबारा कर लो शादी। क्या क्या ख्याल है, कर लो दोनों कर ले, बाकी मम्मी पापा भी दोबारा कर। सज जाओ बस, मैं कह रहा हूँ दोबारा कर लो एक एक बार, क्या ही जा रहा है। सबको बुलाओ कपल्स को और दोबारा कर लो। मम्मी फेरों का काम कितनी देर होगा? तो पूरी पूरी रात, पूरी रात जगना पड़ेगा, थक गए थक गए। तो मैं ये नहीं है ना जल्दी भाई, हम नहीं, हम तो थक गए, हम थक गए। गाइस मैं लगा रहा हूँ अपना फोन थोड़ी देर चार्जिंग पे, भाई बिल्कुल चार्जिंग नहीं, खत्म हो गई है। बट मेरे को यहाँ पे बैठना पड़ेगा ताकि कोई फोन वोन ना ले जाए, वैसे सिक्योरिटी तो है बट यार फिर भी। अरे यार इसमें तो लग ही नहीं रहा है, कहाँ लगाऊँ, दूसरी जगह लगाते हैं। सो आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले फोन चार्ज कर लेते हैं। ब्रिज टूट गया, ये कॉफी के पीछे पड़े हैं। यार काम चल रहा है, तुम कॉफी के पीछे पड़े हो।
उनमें तो आधा हिस्सा देना अभी गाइस फेरे हो रहे हैं ना, सो पूरे हॉल में है ना धुआं धुआं हो गया, इसलिए मैं तो थोड़ा सा बाहर घूमने आ गया। गाड़ी भी हमारी यहीं पे पार्क हो रखी है और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ बाहर। मैं ही हूँ, मैं था, भाई था अभी तो, और दोनों भाई हम दौड़ थे, तो हम ही चार पांच थे यहीं पे भी बैठे हुए थे। अब मैं वो सब अंदर चले गए, मैं इधर बैठा हूँ। मेरी आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है, धुआं एकदम अंदर को जा रहा है। हम वहीं पे एकदम फेरे जहाँ पे हो रहे थे ना वहीं पे बैठे थे, तो यार बहुत हो रहा है। लेकिन यार मुझे तो एक चीज गंदी लगती है, लोग तमीज के साथ डस्टबिन में ये कूड़ा क्यों नहीं फेंक सकते। भाई हम भी तो इंसान है, हम भी तो खाते हैं, हम भी तो डस्टबिन में फेंकते हैं, लेकिन कुछ इंसान ये क्या देख लो, तुम लोग ये क्या कर रहे हैं। शादियाँ होती नहीं है कि गंदगी मचाना शुरू कर देते हैं, क्या ही करें। अभी रात के 3 बज रहे हैं और पूरा रोड खाली है। वैसे 3 बज रहे तो रोड ही खाली होगा, लेकिन फिर भी बाइक चल रही है पूरा ना। मैं आपको बताऊँ ना, शादरे का मेन रोड है, बस ये रेड लाइट दिख रही है आपको, उधर दिख रही होगी, तो उसके आगे जाते ही ना लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन है। चलो हम भी अंदर ही चलते हैं, अंदर ही चल के बैठते हैं, अब कहीं क्या ही करेंगे बाहर अकेले। मेरे ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, अब विदाई होगी, विदाई देखेंगे। पहला व्लॉग है जिसमें पूरा मतलब कि शादी का भाई बता रहा हूँ मैं। धुएं की वजह से सबकी आंखों में आंसू आ रखे हैं, देख रहे हो तुम लोग। फेरे कंप्लीट होने के बाद हमारे प्यारे से जीजा जी की काफ़ी अच्छी आरती उतारी गई, एंड उसके बाद काफ़ी इमोशनल समय आया जब हमने अपनी बहना को गले लगाया। लेकिन हमने सबसे यूनिक करा, हम में से कोई भी नहीं रोया, बिकॉज ये रोने का समय नहीं भाई, खुशी का समय है। हमारी प्यारी सी बहना को काफ़ी अच्छे से हमें विदा करना था, एंड भाई वहीं आ रहे हैं हम भी। भाई जी जी काम निपट गए अपने सारा, फाइनली मामी जी हो गई शादी, निपट गई सारी चीजें, अब हम आजाद हो गए। लेकिन अभी भी पता नहीं किस लिए हमें रोक लिया, अब सीधा घर नहीं जाना, अभी भी कुछ काम है, वही चल रहे हैं। अभी ना भाई गया है हमारी दीदी को छोड़ने, साकेत गए हैं, और फिर वो वापस भी आएंगे। 5 बज गए, आ जाएंगे 6 बजे तक, 6 बजे तक आ जाएंगे ना रिटर्न। भाई 6 बजे आराम से आ जाएंगे, पूरा बैंक का टोल खाली। Thank you.